Any minute. ओके दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं पुनीत भटनागर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आज आप सबका स्वागत करता हूं। राजवी, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत। गेसु संवाद में हमें बहुत खुशी है कि आज एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। युवा चेहरे तो दोस्तों अब आ रही है, अब इट्स बेटर, बीच में कनेक्शन डाउन था। ओके तो दोस्तों, 2024 का ये पहला संवाद, और हमने सोचा कि क्यों ना इसे किसी युवा प्रतिभा के साथ शुरू किया जाए। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने गेसु संवाद में एक नई कैटेगरी क्रिएट की है, राइजिंग स्टार्स, ताकि हम जो हमारे 2010 के बाद के युवा हैं या 2015 के खास तौर से जो युवा हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनको भी गेसु संवाद में हम शामिल कर सके। तो राजवी, राइजिंग स्टार की पहली स्टार के रूप में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत। Sir, thank you so much for inviting me. This really means a lot. And मैं एक बात कहना चाहता हूँ राजवी, कि ये इनविटेशन जो होता है ना, ये मैं नहीं देता या गेसु संवाद की टीम नहीं देती, जो गेसु के हमारे दोस्त हैं वो रिकमेंड करते हैं कि इस बंदे को या इस बंदी को बुलाना चाहिए, और हमको इतनी रिकमेंडेशंस तुम्हारे बारे में मिली कि मुझे जाकर देखना पड़ा राजवी है कौन, और फिर मुझे पता चला कि राजवी कौन है। तो शुरू करें। जी बिल्कुल सर, आप सभी का धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी, दिस रियली मींस अ लॉट। अपना अल्मा मैटर गेसु हैज गिवन मी सो मच दैट यू नो इट्स बियॉन्ड वर्ड्स टू यू नो इवन पुट इट इन वर्ड्स व्हाट ऑल हैज गेसु गिवन मी। तो उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे, जरूर बात जी। तो आज मैं ये बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि दोस्तों राजवी जो है वो लिंक्डइन में टॉप वॉइस ऑफ लिंक्डइन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क पोर्टल है जिसपे दुनिया भर के जो प्रोफेशनल्स है वो जुड़ते हैं, और लिंक्डइन का टॉप वॉइस होना आसान नहीं है। मैं खुद बरसों से लिंक्डइन पर हूँ, और मैं जानता हूँ कि टॉप वॉइस जिनको लिंक्डइन बैज देता है टॉप वॉइस का, वो यूं ही नहीं देता। और खास तौर से आज राजवी जब हमारे साथ है, और राजवी को हमने इनवाइट किया, उसका कारण यह है कि लिंक्डइन टॉप वॉइस जनरली वो होते हैं जो या तो किसी कंपनी के सीईओ होते हैं और जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, या वो होते हैं जो बड़े ऑथर होते हैं और जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर लोग उनको फॉलो करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। लेकिन राजवी इस उम्र में लिंक्डइन की टॉप वॉइस है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और राजवी, many many congratulations to you for your achievement, for your achievement, and I know you are very humble, और तुम कहोगी कि ठीक है टॉप वाइज बनाया जा सकता है और भी है, लेकिन इस उम्र में इतने कम वक्त में लिंक्डइन का टॉप वाइज होना बहुत मुश्किल है, और तुमने वो काम अंजाम दिया है और इंडिपेंडेंटली अंजाम दिया है। तुम्हारे पीछे कोई बड़ा कॉरपोरेशन नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई पीआर एजेंसी नहीं है, तुम्हारे पास मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है जो तुम्हारे लिए लिखती है, तुम खुद लिखती हो, कंटेंट क्रिएट करती हो, और उसके बाद लिंक्डइन ने आगे बढ़कर तुमको टॉप वॉइस में चुना। तो मतलब जैसे मुझे पता चला कि हमारे गेसु की एक कन्या सुकन्या टॉप वॉइस में है, मेरा दिल खिल गया, क्योंकि हम काफी वक्त से गेसु की कम्युनिटी को लिंक्डइन के साथ जोड़ना चाहते हैं।
हम उनको बताना चाहते हैं कि लिंक्डइन क्या है, क्यों है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो जब घर में ही एक मेंटर मौजूद है तो फिर क्या बात है। जी बिल्कुल सर। तो आज हम सब लोग बहुत अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम हमको कुछ ऐसी टिप्स बताओगी जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में सब लोगों के काम आ सकते हैं। पर उसके पहले तुम्हारी कहानी सुने कि यहाँ तक पहुंचने के पहले तुमने क्या क्या किया है, इसके बीज कहाँ पड़े होंगे, तो ये बताओ कि बचपन कहाँ बीता तुम्हारा। सर मैं देवास मध्य प्रदेश से हूँ, वहीं पर पिछले सारे साल वहीं रही हूँ मैं। ऑल गर्ल्स वेल ग्रोइंग अप एंड बेसिकली जब कॉलेज भी जाती थी तो इट वाज अप डाउन कर, आई यूज्ड टू अप डाउन उज्जैन और देवास के बीच। सो देवास, उज्जैन और देवास सब तो एक ही है एक तरह से, और हाँ जी हमारा कल्चर इतना एक जैसा है, भाषा एक जैसी है, हमारे मेरे ख्याल से नमकीन भी एक जैसा है। तो गेसू में तुम आई, उसके पहले स्कूल में देवास में पढ़ी तुम जी, तो अपने स्कूल जिंदगी के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कई बार जो बीज होते हैं ना बड़े काम के वो स्कूल की लाइफ में ही पड़ जाते हैं। क्या लिखने का तुमको शौक था स्कूल में? सर आई वुड टेल यू, मतलब हिंदी में बोलूंगी मैं। हाँ जी सब कंफर्टेबल रहेगा। सो शुरू से मुझे रीडिंग की हैबिट थी, पढ़ने की हैबिट, और वो आज मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिली, और मेरे फादर भी एक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है शुरू से, इंसाइक्लोपीडिया खरीदवा के दिलवाना, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते थे हमारे घर में, तो एक आदत बोल बतवाना कि मतलब आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। आज भी मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने पहली किताब दी थी, घुंघरू वाली मुर्गियाँ, वो उन्होंने फर्स्ट क्लास में दिलाई थी, और आज भी मैं किताब पढ़ना और अवेड़ना दोनों पसंद करती हूँ। तो आज भी मेरे पास हर वो किताब मौजूद है जो मैंने बहुत सालों पहले खरीदी थी। पर्सनल आज आई कैन से दैट आई हैव अ पर्सनल लाइब्रेरी ऑफ रफली 300 to 400 बुक्स। एंड लिखने के पहले मैं एक इंसान हूँ जो पढ़ना बहुत पसंद करती है, दैट हैज बीन वन थिंग। और स्कूल के इयर्स में सर एकेडमिकली आई वाज ओके, एवरेज बोल सकते हैं आप, और शुरू से मतलब थोड़ी शैतान जरूर थी मैं, बट मैच्योरिटी भी आई, और कबड्डी कैप्टन थी मैं स्कूल के टाइम, येलो हाउस मतलब मेरे हाउस के लिए, तो वो जरूर एक चीज रही है। बट ऑल इन ऑल हमारे स्कूल में बड़ा मोटिवेट किया जाता था, एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता था। और ऐसे में एक बार 8th क्लास की बात है, हमारी इंग्लिश टीचर थी श्रीजा मैम, ने एक्सटेम्पो टॉपिक दिया था, एंड मैंने मेरे को जो भी उस मोमेंट पे दिमाग में था मैंने लिख दिया था, और उस दिन उन्होंने मुझे क्लास में सबके सामने बुलाकर अप्रिशिएट किया था। तो ऐसे मैंने स्कूल में लिखा लिखा कुछ भी नहीं है, बट उन्होंने मुझे तब बोला था कि राधे तुम बहुत अच्छा लिखती हो, यदि इसको तुम अच्छा इसको करोगी तो ये बहुत आगे भी जा सकता है। तो दैट वाज वन इंसिडेंट सर। बट टेक्निकली स्पीकिंग ऐसे लिखने का पर्टिकुलरली मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके लिखूंगी नहीं लिखूंगी। इट वाज ड्यूरिंग आफ्टर माय इंजीनियरिंग फ्रॉम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, आई टुक अ ईयर ड्रॉप टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंसेस फॉर MBA। तो अभी वहाँ पर अभी आते हैं, पहले उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की बात भी करेंगे। जी तो जी, तो ये समझा मैं कि पहले से कि मुझे तो लेखक बनना है ऐसा कोई दिमाग में नहीं था, नहीं लेकिन था। वो बीज कहीं ना कहीं थे लेखन के, और तुम्हारी टीचर ने पहचाना और तुमको उसके लिए मोटिवेट किया, तो ऐसे टीचर्स बहुत जरूरी, ऐसे टीचर्स बहुत जरूरी। तो अब ये बताओ मुझे कि तुम गेसू में आई,
उसके पहले और कोई कहानी है जो तुम हमारे साथ शेयर करना चाहती हो, स्कूल की, देवास की, ऐसा कोई इंसिडेंट जिसने तुम्हारे ऊपर छाप छोड़ी हो? सर ये एक इंसिडेंट मैं बता सकती हूँ कि शुरू से मेरे फादर बिजनेस में रहे हैं, तो मैंने एक जुझारू प्रवृत्ति देखी है उनमें। और जब मैंने कबड्डी में मुझे कैप्टन बना दिया गया था, उसका भी एक इंसिडेंट है जो मेरी लाइफ में बहुत अहमियत रखता है। 8th क्लास की ही बात है सर, तब तक मैं बहुत ही एवरेज और शाय किड थी, मतलब ना ज़्यादा बात करना ना ज़्यादा बोलना वैसा था। 8th क्लास में मेरी हाउस टीचर थी रंजना चौहान मैम, वो आई और उन्होंने मुझे बोला कि येलो हाउस में कोई भी गर्ल्स टीम नहीं है पार्टिसिपेट कर रही है इंट्रा हाउस टूर्नामेंट में, तो आप बस एक टीम बना दीजिए और पार्टिसिपेट कर दीजिए, मतलब येलो हाउस के नाम से कोई टीम है कबड्डी खेलने के लिए। मुझे तब कबड्डी कैसे खेलते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, ये कुछ भी नहीं पता था, पर मैंने उनको हाँ बोल दिया कि करूँगी। और 2-3 दिन में सर जूनियर्स को रीच आउट किया, सीनियर्स को रीच आउट किया, बैचमेट्स को रीच आउट किया और एक कबड्डी की तीन टीम तैयार करी। जो 1-2 दिन थे वो प्रैक्टिस कर लिए कि क्या कैसे खेलते हैं, क्या रूल्स होते हैं, जो थोड़ा समझा। और मंडे के दिन पे मैच था हम लोग का ब्लू हाउस गर्ल्स कबड्डी में, हम हार गए उस दिन, बट उस चीज ने ना मुझे एक लेसन दे दिया मेरी लाइफ के लिए कि जीवन में आपको हर चीज पता हो ये जरूरी नहीं है। एक हमेशा होता है कि खुद पे भरोसा आप कर सकते हो कि नहीं, कि कुछ हो भी जाएगा तो खुद पे भरोसा करके आप कुछ कर सकते हो कि नहीं। और वो एक चीज से मैं शुरू से मुझे इतना खुद पे भरोसा है कि कुछ भी हो मैं कर लूंगी, वो एक कॉन्फिडेंस आ गया उस एक इंसिडेंट के बाद, एक इंसिडेंट के बाद कि नो मैटर व्हाट थिंग्स हैपन और हाउ थिंग्स हैपन आई मैनेज इट। एंड वो चीज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है मेरी लाइफ में सर। तो अभी बताओ कि गेसु में जब तुम आई, तब गेसु का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर शुरू में आदि मैं बोलूं तो आप उसके भी एक स्टोरी है, मतलब आई हैव मेड माय माय आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो जब मैं गेसू उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज इज समथिंग जो विद टाइम मुझे पसंद आने लगा, जब पहली बार मुझे काउंसलिंग मिला था तो देर वॉज अ फन इसका बहुत एक इंसिडेंट है, आज मैं उसको पीछे देखकर हंसती हूँ, पर शायद आज इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं सबको वो चीज़ बताऊँ। तो जब मैंने जेई मेंस दी थी उस टाइम पे और 12th क्लास में मैं देवास की पीसीएम टॉपर रही थी सर, 97% पीसीएम का आया था, तो मेरे रैंक 60,000 थी। और काउंसलिंग भरते वक्त ना मैंने सीई को कंप्यूटर इंजीनियरिंग समझ के भरा था, जबकि सीई सिविल इंजीनियरिंग होता है। अब मुझे पहली काउंसलिंग में अलॉट हो गया था आईईटी डीएवीवी, और यदि ढंग से भरती तो जीएसआईटीएस मिल जाता, पर सर वो मिला नहीं। फिर सेकंड काउंसलिंग में मुझे मतलब सिविल इंजीनियरिंग में जाना नहीं था, तो फर्स्ट काउंसलिंग छोड़ दी। अभी सेकंड काउंसलिंग में उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज आया, तब पता चला कि उज्जैन में भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद मुझे मतलब पता नहीं था कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे फादर ने बोला एटलीस्ट लेट्स अपन चल के देख कर आते हैं। हम देख कर आए और फिर वही था कि इट्स गुड कि इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा, तो हमने एडमिशन भी ले लिया। पर अब ले लिया तो सर पहले इम्प्रेशन ये था कि ना अंदर कॉरिडोर में डॉग्स घूम रहे हैं और वो सब, तो नया नया प्रकार का कल्चर था मेरे लिए, इन इन कॉन्ट्रास्ट टू जो मैं देखते आई हूँ। बट विद टाइम मुझे ये चीज का रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पर जो टैलेंट है, जो बैचमेट्स में एक उत्साह है चीजों को लेकर, वो अनमैच्ड है। वो कोई ज्योग्राफी का बैरियर नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि आप कहाँ से आते हो, और वो ये चीज पे फोकस करता है कि आप कहाँ जा सकते हो। तो सर पहले जो मेरा इम्प्रेशन था और उससे लेकर जब आज मैं बोलूँ, सर गेसू ने मुझे बहुत कुछ दिया है। नेवर टू जज अ बुक बाय इट्स कवर इज द फर्स्ट लेसन आई वुड से।
in that journey. मैं मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जब तुम कह रही हो कि तुमको ऐसे बैचमेट्स मिले जो अनमेस्ट थे, क्योंकि क्या होता है ये, देखो एक और चीज बोलता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट का जब ऐसा इतिहास लिखा जाता है तब लोग बोलते हैं कि पुराना जमाना बहुत अच्छा था, आजकल तो सब कुछ बिगड़ गया है, पुराने जैसे अब स्टूडेंट नहीं रहे। तो आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस राजवी, जब तुम कह रही हो कि तुम्हारे बैचमेट्स के साथ तुमको अच्छा लगा एंड दे वर अनमैच्ड, मतलब व्हाट यू आर सेइंग। एंड दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं राजवी से पहले भी बात कर चुका हूँ एंड राजवी इज सो ऑथेंटिक पर्सन, शी इज अनफिल्टर्ड इन हर ओन वर्ड्स, अनफिल्टर्ड। तो जो कह रही है वहां पे कोई मुलम्मा चढ़ा कर नहीं कह रही है, जैसा लगा वैसा आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो राजवी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पुराने चश्मे से देखते हैं और नई तस्वीर समझ में नहीं आती। तो तुम्हारे साथ और तुम्हारे जैसे राइजिंग स्टार्स के साथ हमको कुछ नया सीखने को देखने को मिला। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम कह रही हो कि येशु का मुझ पर बहुत प्रभाव है। जी देखो तुम्हारी कहानी और मेरी कहानी थोड़ी थोड़ी एक जैसी है, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग किया, फिर बाद में मैंने भी MBA किया और बाद में मैंने भी इंजीनियरिंग छोड़ दिया और मैं एक राइटर बन गया। ठीक है, और तुम भी एक राइटर हो, इंजीनियरिंग किया, MBA किया, राइटर। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तो जब तुमने इंजीनियरिंग किया ही नहीं जिंदगी में, तब येशु का ऐसा क्या प्रभाव तुम पर पड़ा, ऐसा तुमने क्या सीखा येशु में जो काम आ रहा है आज? सर एक हम भारतीयों में इन जनरल एक चीज बोली जाती है कि हम जुगाड़ू हैं। okay. मतलब एक प्रॉब्लम है, अब उसके लिए सीधा राउट या तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत वक्त लगेगा या बहुत महंगा पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक तीसरा छोटा सस्ता सुंदर एक तरीका निकाल जाते हैं। और वो चीज ना मैंने कभी पहले देखी नहीं थी, बट चार साल के इंजीनियरिंग में मैंने सब प्रकार का असाइनमेंट को लेकर, सब छोटी से छोटी चीज को लेकर जुगाड़ देखा है मैंने। और वो चीज के लिए मैं, मतलब मैंने वो केवल मेरे बैचमेट्स में नहीं देखा सर, इट हैज बीन द इन द DNA ऑफ उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ होगा हम कर लेंगे। तो दैट इज समथिंग आई हैव लर्नड बीइंग हियर। ये बात सही है, हमेशा से, सिर्फ तुम्हारे वक्त से नहीं, हमेशा से येशु के लोग बहुत स्ट्रेट स्मार्ट रहे। हम लोग हमेशा कॉन्स्टेंट्स में, कम रिसोर्सेस में हमने काम किया है, लेकिन मैं पिछले ये 89th हमारा सेशन है येशु संवाद का, और बाकी 88 हमारे जो स्पीकर्स उनसे मैंने यही सुना है कि येशु ने सबको मजबूत तो बनाया, येशु ने सबको क्रिएटिव बनाया, स्ट्रेट स्मार्ट बनाया। So that's fantastic. तो हाँ, तो तुमने क्या सीखा क्या, मैं जरा उस पे आना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे ही साथ की हो, क्योंकि हमने भी उन्हीं सब कांस्टेंट में से गुजर के काम किया। तो कौन सी एक्टिविटीज थी जिसमें तुम भाग लेती थी, व्हाट वर दोस थिंग्स व्हिच मेड यू व्हाट यू आर टुडे? ओके, तो दो तीन चीजें हैं सर। येशु में जब मैं थी 2016 में गोल्डन जुबली था कॉलेज का, तो सर उसके लिए है ना एक मैराथन भी ऑर्गेनाइज करी थी। अब मैंने कभी मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं करा था, पर उस दिन सब मेरे बैचमेट्स और दोस्त ने बोला कि लेट्स डू दिस, और शाम को कॉन्सर्ट भी है, तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो आई सेड यस। और सुबह 7 बजे सर देवास से बस पकड़ के उज्जैन। अब क्या हुआ कि वो मैराथन चालू हो गई, अब मुझे नहीं पता था कि कितना दूर है, पर मुझे और लोकबाग ने ऑलरेडी वो मैराथन खत्म कर दी थी। मैं और मेरी एक और बैचमेट थी, हमको सिर्फ ये था कि वो मैराथन खत्म करनी है, द एंटायर एजेंडा। करीब 11:30 बजे जब सब खत्म हो गया था, तब मैराथन खत्म करके हम पहुंचे उस स्पॉट पर। बट उसने एक बहुत एक इम्पैक्ट छोड़ा इन अ वे कि मुझे कोई मेडल नहीं मिला उस मैराथन को खत्म करने का, बट एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल, यू नो इट्स एन इंटरनल वैलिडेशन बेसिकली, कि इट्स मतलब दुनिया नहीं देख रही है पर आपने वो करा है,
और उसके लिए अपॉर्चुनिटी गेस उन्हें दी थी, तो दैट इज वन थिंग. उसके बाद मैं बोलना चाहूंगी हमारे उज्जैन इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पहला हम लोग ने टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, एक्सेप्शन. ओके. अब एक्सेप्शन में सर मैंने स्पॉन्सरशिप साइट को, आई वॉज इन्वॉल्व विद इन द स्पॉन्सरशिप साइट, और सर काफी कुछ उसमें देखने को मिला कि एक बैनर भी यदि जाता है तो उसके पीछे कितना गणित जाता है, मतलब क्या फोटो जाएंगे, किस साइज के फोटो जाएंगे, क्या लिखा जाएगा, उसको कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, सबसे सारे एलम्स से अलग अलग कोचिंग सेंटर से जाकर अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करना, कैसे कितने लोग मना करेंगे, यदि हाँ करेंगे तो वो क्या क्या डिमांड रख सकते हैं, वो सब एक बहुत नई प्रकार की चीज थी. उसके अलावा हम लोग ने उज्जैन के एसपी को भी इनवाइट किया था तब, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट तब इनवाइट किया था, तो उनको इनवाइट करने में वो एक्सपीरियंस होना कि आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो, उनके कैबिन में जा रहे हो, उनको इनवाइट कर रहे हो. फिर उसी इवेंट में ना हम लोग ने एक योगा इंस्ट्रक्टर को भी बुलाया था, वो वुमेन सेल्फ सेफ्टी इंस्ट्रक्टर था, तो उनके लिए उनका सेशन देखने जाना, उनको इनवाइट करके लाना, तो ये सब मेरे लिए काफी नया भी था और इस चीज ने मुझे एक एक्सपोजर दिया, मतलब क्या क्या हो सकता है जो कभी जैसा सोचा भी नहीं था, मेरे लिए सब बहुत नया था. तो ओपन द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बेसिकली कि क्या क्या हो सकता है. बहुत अच्छा है, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है. दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो मैराथन हो रही थी तब तुमने वो मैराथन दौड़ी, लेकिन और मुझे आज फिर अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ तुमसे, क्योंकि वो मैराथन को उसके आयोजन में कितनी परेशानियां थी मुझे पता है, क्योंकि हमारे दोस्त गुंजन सिद्धा और संजय खिमेसरा लगे हुए थे उसको, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन था जी, और उसको, उसको उसको आयोजित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जबकि हम लोग उज्जैन में नहीं रह रहे, बाहर से सब लोग आए थे. आई एम वेरी हैप्पी कि उसके कारण कहीं ना कहीं हम तुम सब लोगों के साथ जुड़ सके. तो 2016 का वो जो गोल्डन जुबली था, आई थिंक दैट वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट हमारे गेसू की जिंदगी में, क्योंकि एक बार फिर से सब लोग वापस मिले, एक बार फिर से चीजें जुड़ी. और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे वक्त में भी, मैं अब तुम में और मुझ में कितने साल का फासला है, मैं सोचूं तो मैं 89 से पास आउट हूं और तुम 2019 के पास, तो मैथमेटिक्स तुम्हारा अच्छा होगा मुझसे ज्यादा. तो 30 साल का तो ये फासला है हम लोगों के बीच में, तो खुशी इस बात की कि हम दोनों आज बात कर रहे हैं साथ में बैठकर, गेसू का हमको जोड़ रहे हैं. तो हमारे वक्त में भी डिबेट्स जो थी बहुत होती थी, ड्रामा बहुत होते थे, कई तरह के फेस्ट होते थे. तो आई थिंक गेसू शहर से बाहर, जिसको हम बबूल खेड़ी बोलते हैं, उसमें एक अलग तरह का कल्चर तो हमेशा से वहां रहा है, वो आज भी है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा. जी बिल्कुल सर. तो अब मुझे ये बताओ कि क्या गेसू में आने के बाद तुमने लिखना शुरू कर दिया था? नहीं, गेसू में लिखने का मेरा ऐसे मतलब आंसर्स एग्जाम्स जरूर लिखे हैं सर, दैट डजंट मेक मी अ राइटर, बट नो. ओके, नो. ओके ओके. मैं वो जगह जानना चाह रहा हूँ, वो नब्ज पकड़ना चाह रहा हूँ कि वो राजवी को लेखन का कीड़ा कब काटा, मतलब वो मैं जानना चाह रहा हूँ. तो उस पर भी आते हैं. तो अब ये बताओ मुझे कि तुमने गेसू में रहने के बाद, गेसू के बाद कहीं नौकरी नहीं की तुमने, उसके बाद सीधा एमबीए की? हाँ सर, मतलब मैं प्लेसमेंट्स पे जरूर बैठी थी. अब हो सकता है इसके लिए लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं कि यदि आपको नहीं बैठना था, आपको नहीं प्लेसमेंट चाहिए था, तो आपको बैठना नहीं चाहिए. पर शुरू से मेरे फादर ने एक चीज मुझे सिखाई है कि अपन कितने पानी में है ये तो आप देख कर आओ. बेसिकली मतलब कोई भी एग्जाम जब आप बैठते हो, आपको कितना आता है और नहीं आता है आपको पता चल. आप हर इंसान को जब वो एक शेल में रहता है, ये लगता है कि उसको सब आता है,
पर जब आप रियलिटी में जाते हो तब आपको पता चलता है कि अरे मेरे से भी दिग्गज लोग हैं दुनिया में, तो बिल्कुल उस बिल्कुल एंगल से कि मुझे जॉब मिल सकती है कि नहीं, मेरे में उतनी काबिलियत है कि नहीं, तो उसमें सर मैं TCS की कॉम जब नॉर्मल प्लेसमेंट्स आए थे तब मैं गई थी, उसमें फॉर्चुनेटली मेरा हुआ था। दूसरा एक ओपन अपॉर्चुनिटी आई थी HSBC की, पहली कंपनी आई थी और वो सिर्फ गर्ल्स हायरिंग के लिए आई थी उस टाइम पर। जी तो सर अब कोडिंग में मतलब थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल आता था उतना कर लिया, उससे रिटर्न निकल गया था और अब इंटरव्यू क्रैक करना था। इंटरव्यू के लिए उसने इंदौर बुलाया था और मुझे था कि मेरा नाम चूंकि R से शुरू होता है और जनरली अल्फाबेटिकली तो अभी टाइम है उस चीज़ को, तो मैं गई थी कि मुझे ये जानना था कि यदि इस मार्केट में मुझ जैसे को जॉब मिल भी सकती है कि नहीं, मुझ में उतनी काबिलियत है कि नहीं। तो एकदम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स में सर गई थी मैं, और उस दिन पहला ही इंटरव्यू मेरे से शुरू हुआ। और सर इन द अटमोस्ट ऑनेस्टी उस वक्त पर मुझे ना वर्ड डॉक्यूमेंट चलाना तब भी नहीं आता था, रेज्यूम कैसे बनाते हैं वो भी नहीं आता था। तो दिस इज डेफिनेटली 4 years ऑफ इंजीनियरिंग हेंस। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, उसने मुझे रेज्यूम बना के दिया, उसने बोला क्या लिखना है अचीवमेंट में, तो मैंने उनको बोला कि लिख दो लर्न टू राइट बुलेट ऑन माई ओन। अब मेरे फादर 2016 में बुलेट बाइक लेके आए थे, अब उस टाइम पर उनने मुझे सिर्फ बता दिया कि क्लच ऐसे हो, यहाँ पे क्लच है यहाँ पर ब्रेक है। अब मुझे शौक था सर तो मैंने चलाना सीखा, और देवास में जनरली मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे ना बोलने लग गए कि आप तो बुलेट से आते हो, तो वो मेरी रिकॉग्निशन बन गई थी उस टाइम पर। तो पॉइंट ये है कि अब मेरे लिए वो अचीवमेंट था क्योंकि देवास जैसे हमारे शहर में बहुत लड़कियां बाइक नहीं चलाती, तो मैंने लिखी है मेरा ये अचीवमेंट है, क्योंकि कोडिंग वाइज तो ऐसे कोई ज्यादा अचीवमेंट था नहीं सर। तो मैंने वो लिख दिया, मैं लेकर चले गई इंटरव्यू में। अब उन्होंने नॉर्मल प्रोडक्शन वगैरह पूछा करा, उसके बाद अचीवमेंट पे बात आई, तो मैंने बोल दिया मैंने बुलेट चलाना सीखा है खुद से, और वो बात वहां से पकड़ के उस कन्वर्सेशन पे चले गई। एंड फॉर्चुनेटली दैट कन्वर्टेड इनटू मी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी विद HSBC। वेरी नाइस। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ राजवी कि तुम औरों से थोड़ी अलग रही हो, कहीं एक इनिशिएटिव तुम्हारे अंदर है, इनिशिएटिव लेने की क्षमता तुम्हारी शुरू से रही, वो चाहे वो जी कबड्डी की टीम बनाना हो, वो चाहे बुलेट चलाना हो। सुन के तो ऐसा लग रहा है कि राजवी बड़ी रफ टफ हो गई, मतलब कबड्डी खेलती है बुलेट चलाती है। ओके, एंड तो तुम इनिशिएटिव लेती हो। आई थिंक जी दैट्स वन वन थिंग दैट आई एम हियरिंग अगेन एंड अगेन। और तुमको बताऊं कि जब तुमको मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं किसी 2019 की पास आउट अपनी किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ। यू आर टॉकिंग सो मैच्योर, सो मैच्योर। और जब तुम लाइफ लेसन्स की बात कर रही हो तो उसमें से तुमने क्या सीखा, इट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक कीप इट अप, कीप इट अप। तो अब ये बताओ कि तुमने वो जॉब नहीं किया, ये मैं मुझे समझ में आया कि तुमने जॉब अपने आप जी जॉब को नहीं जांच जांचने के लिए किया था। जी और हमारे मेरे दोस्त शुक्ला जी इस पे बहुत खुश नहीं होंगे क्योंकि वो टीपीओ हैं और उनको ये परेशानी से जूझना पड़ता है कि लोग इंटरव्यू देते हैं लेकिन ज्वाइन ज्वाइन नहीं करते हैं। मैं लेकिन बहुत क्षमा 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 प्रार्थी हूँ। मतलब ये मैंने जब इसको स्टार्ट में बोला था कि काफी मतलब अलग ओपिनियन है हो सकते हाँ, हैं, बट तो अपन कितने पानी में है वो जानना भी नहीं, उतना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने दूसरा या तीसरा ही संवाद सेशन दिया था, हमारे दोस्त राजेश जैन जो बहुत सीनियर CHRO है, चीफ जी ऑफिसर है एक कंपनी में, उन्होंने यही कहा था कि हमेशा अपना बायो हमको तैयार रखना चाहिए और मार्केट में हमको जॉब नहीं भी चेंज करना हो तब भी हमको इंटरव्यू देते रहना चाहिए, तो हमको पता तो चले कि हम कितने पानी। एंड आई जी थिंक तुम भी वही बात आज कह रही हो। तो अब मुझे बताओ कि तुमने चलो वो जॉब नहीं किया पर MBA करना चाहिए, ये ख्याल कैसा है? सर आई टेल यू वन थिंग, जैसे मेरे ग्रैंडफादर जब इंदिरा नोई सीईओ बनी थी 2000
पांच छह अराउंड दैट टाइम 2008 की और बात होगी, मतलब मैं उस टाइम पे सर, पेप्सी पेप्सी हाँ, की सीईओ बनी थी जी, मैं उस टाइम क्लास फिफ्थ में थी सर, तब मुझे सीईओ क्या होता है ये भी नहीं पता था, बट उनका न्यूज़पेपर में फोर फोटो था और मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे इंदिरा नोई पहली भारतीय महिला बनी है सीईओ की, टाइम से दिमाग में था कि ऐसा कुछ करना है, और वो चीज हमेशा मेरे लिए एंकर पॉइंट रही है। मेरे लिए लाइफ में दो मेजर रोल मॉडल्स रहे हैं सर, एक इंदिरा नोई और एक रतन टाटा। ओके, तो रतन टाटा सर का आज भी मेरे पास, बहुत सालों पहले इकोनॉमिक टाइम्स में फुल पोस्ट फोटो आया था सर, मैंने उसको लैमिनेट करा के आज भी मेरे रेज्यूम वाली पूरे बुकलेट में वो रखा हुआ है। तो पॉइंट ऑफ से इज कि इट्स ऑलवेज इट्स मतलब इंस्पिरेशन रहा है ये सब, मतलब उनकी लाइफ जर्नी मेरे लिए। तो इंदिरा नोई के थ्रू मुझे MBA कुछ होता है ये पता चला था पहली बार। उसके बाद सर इन 4 years ऑफ माई MBA, सर आवाज आ रही है? जी जी, सो 4 साल के इंजीनियरिंग में सर मुझे मेरी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस रियलाइज हुई। जैसे जब एक्सेप्शन का इवेंट के लिए स्पॉन्सरशिप का मौका मिला, तो मुझे समझ में आया कि मुझे बिजनेस एस्पेक्ट में बहुत रुझान है, और उसके साथ मुझे जो रोल मॉडल इंदिरा नोई से एक प्रेरणा मिली थी वो कपल हुआ, और मुझे था कि अब मुझे MBA करना है। और उसके लिए मैंने इंजीनियरिंग के बाद जॉब छोड़ने के, मतलब जॉब नहीं लिए, और मैंने 1 साल ड्रॉप दिया था सर, और MBA एंट्रेंस के लिए तैयारी करी थी। तो तुमने SIBM पुणे से MBA किया? जी। ओके, एंड वहां पे क्या बड़ी सीख मिली थी? सर सबसे पहले तो सर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, SIBM पुणे सिम्बायसिस के लिए लगभग 2 लाख बच्चा एग्जाम देता है, सिम्बायसिस के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और उसमें SIBM इज द फर्स्ट कॉलेज, मतलब वहाँ पर कट आपका 99.5% या ऊपर हो तब आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है। उसमें भी कुछ 1,000-1,200 बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं, उसमें से 180 सिलेक्ट होते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस बहुत हम्बलिंग होता है जब आपको रियलाइज होता है, अभी तक क्या होता है कि आप आपकी छोटी सी दुनिया में रहते हो, पर जब आप आगे निकलते हो तब आपको पता चलता है कि अरे कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग आपसे बेहतर हैं, जो बहुत कुछ, कोई कुछ काम करके आया है, कोई कुछ काम करके आया है, उनके साथ आप एक कॉम्पिटिटर जैसे इंटरव्यू दे रहे हो, आपको भी पता नहीं आपको मौका भी मिलेगा कि नहीं। तो वो एक अपने आप पे काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज SIBM के अलावा बेबी IIMs, मतलब IIM सिरमौर, IIM बोधगया, ये सारे कॉलेज कन्वर्ट थे, पर मैंने इन सब में SIBM जाना चुना। इसके अलावा मुझे IIFT दिल्ली का भी इंटरव्यू आया था, IIFT इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बट उसके इंटरव्यू में सर हो नहीं पाया, तो दिल्ली और कोलकाता बिल्कुल नहीं मिला, एंड एंड ऑफ द SIBM मिला। सो इट वॉज अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अभी 2 साल ऑफ MBA, ऑनेस्टली इट वॉज, मतलब कैंपस पर होना चाहिए थे, पर कोविड आ गया सर, तो इट वॉज ऑनलाइन, तो दैट वॉज वन मेजर थिंग। सेकेंड थिंग सर, MBA कॉलेजेस बहुत कॉम्पिटिटिव रहते हैं। नाउ इसमें ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल नोट ये है, कॉम्पिटिशन इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप उससे खुद से आप बेहतर बनने की सोचते हो, पर वो कब नेगेटिव हो जाता है वो आपको पता नहीं चलता। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको वो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन इज गुड, बट यू नो नॉट, मतलब आप जब हर चीज में नेगेटिव बन रहे हो ना, देन यू नीड टू ड्रॉ लाइन कि कब स्टॉप करना है। तो ये मैंने MBA में देखी लोगों से, मतलब इनसिक्योरिटीज क्या होती है ये सब मैंने पहली बार देखा लोगों में, कि इनसिक्योरिटीज होती है प्लेसमेंट्स को लेकर, इन्फॉर्मेशन छुपाई जाना, ये सब थोड़ा सा चीज़ें मैंने देखी, पर इस चीज़ से मैंने ये खुद से मैंने
एंकर पॉइंट रखा था कि मैं ये सबको कभी खुद को अफेक्ट नहीं करने दूंगी, मैं जो हूँ जो हूँ. सो या आई ट्राइड माई बेस्ट सर. हर चीज में आपको बेस्ट रहना पड़ता है. तो समर इंटर्नशिप्स आते हैं सबसे पहले, मतलब समर इंटर्नशिप आप कहाँ करेंगे उसके लिए भी प्लेसमेंट होता है. तो आपने कॉलेज शुरू ही करा होता है, विद इन अ मंथ आप समर प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो. अभी समर प्लेसमेंट्स के लिए बैठना सर, रात को 3 बजे उठा के वो आपको इंटरव्यू पे पूरे रेडी करके बैठेंगे. सुबह 6 बजे से इंटरव्यू हो रहे हैं, पूरे दिन इंटरव्यू हो रहे हैं. अब उसमें क्या होता है कि आपको कॉल नहीं आ रहे हैं, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहा है. आप देख रहे हो कि हो सकता है दूसरों को बुलाया जा रहा है. तो वो सब काफी नया, पहली बार ही मैंने ये सब देखा सर. तो मेरा सब में इंटर्नशिप का मौका मुझे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मिला. वहां पर टाटा चा CHA, जो अब क्यूमन रीब्रांड हो गया है, तो उसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने का मौका मिला. और इसके अलावा सर, SIBM सारा स्टूडेंट रन बॉडी है. मतलब वहां पर सारी चीजें, एडमिशन से लेकर तो प्लेसमेंट तक, सब कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. तो वो एक काफी यूनिक चीज है जो SIBM अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करता है. दैट स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट स्पिरिट ऑफ ओनरशिप ऑफ डूइंग थिंग्स. तो काफी, और उसमें भी सिलेक्शन होना आसान नहीं है. उन काउंसिल्स में सिलेक्ट होने के लिए भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है. तो जब शुरू में मैं गई सर, एक भी काउंसिल का इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हो पाया था. और समर इंटर्नशिप जरूर मेरे लिए ब्रेक थ्रू मोमेंट था सर. बहुत खूब। मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी रिसेंटली इसी महीने जी फ्लेम फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे में MBA स्टूडेंट्स को कुछ ट्रेनिंग दे के आया हूँ, जी जहाँ से SIBM का कैंपस दिखता है वहां से, और दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस। जी तो मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या बात कर रही हो। आई थिंक इमोशनल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, जब आप घर से बाहर हो और आपके आसपास कंपटीशन है, अपने छोटे से शहर में जब आप जिसको बोलते हैं अंधों में काने रह जाते हो, और अब अचानक हमारे आसपास एक से एक धुरंधर लोग हैं, तब अपनी जगह बनाना, आई थिंक। और तुमने बिल्कुल सही कहा, वो कहाँ गलत हो जाता है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिशन अच्छी है, लेकिन वो कॉम्पिटिशन कहाँ हमारे पाँव की जंजीर बन जाती है, वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से ये जो लिंक्डइन वाली जो जर्नी है, थोड़ा उस पर बात करते हैं, क्योंकि लोग बहुत उत्सुक हैं कि तुमने लिंक्डइन टॉप वॉइस कैसे अर्जित किया। ओके, तो जी अब तुमने कहा कि लिखने का शौक तुमको ऐसा नहीं था कि तुमको लेखक बनना है, तो और जहां तक मुझे ख्याल है कई लोग होते हैं जिनको लेखन का शौक होता है तो कभी नई दुनिया में, दैनिक भास्कर में, अखबार में लिखते हैं। मैं भी जी लिखता था, छपता था, है ना। लेकिन तुम्हारे केस में तुम कह रही हो कि तुमको वो सब भी शौक नहीं था, या वो तुमने कभी ट्राई नहीं किया, तो फिर ये अचानक कंटेंट क्रिएशन या लेखन करना चाहिए, ये ख्याल कैसे आया। सर, इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हाँ तो जब मैं अपना इंटर्नशिप करी टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स के साथ, तब सर ऑनेस्टली ना PPO नहीं मिला था प्री प्लेसमेंट ऑफर. और वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस होता है जब आपको लगता है कि आपने सारा कुछ करा है और आप एक PPO, मतलब एक प्री प्लेसमेंट ऑफर डिजर्व करते हो, आपको लगता है. तो वो चीज जब नहीं होती है तब आपको लगता है कि होना चाहिए. तो वो एक्सपीरियंस था. और सर सेकेंड, वहाँ पर उस टाइम पे OnePlus ने एक स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया था. उसके लिए आप अपने कॉलेज से कॉलेज, मतलब स्टूडेंट एम्बेसडर बन सकते हो. और उसका मुझे उस टाइम पे ना फोन चेंज करना था, और मेरी इच्छा थी कि मैं, मुझे मांगना ना पड़े मेरे फादर से. तो वो स्टूडेंट एम्बेसडर बन जाऊंगी, तो उसमें दे विल गिव द फोन. अब क्या हुआ, वो भी मैंने सब ट्राई करा, हुआ नहीं. और ना एक MBA कॉलेज में बहुत सारे ना आपको मौके मिलते हैं डिबेट वगैरह पार्टिसिपेट करने के. तो एक मैंने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी हार गई, उसमें कुछ नहीं हुआ. तो वन बाय वन इट वाज ऑल लाइक
कि पता नहीं क्या चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि 2 साल के एमबीए में कैंपस जाने का मौका नहीं मिल पाया कोविड के कारण. ऑलरेडी अपने एक्सपोजर लिमिटेड हो गया, उसके ऊपर सब ये सब भी नेगेटिव हो रहा है. तो सर उस साल मैंने सोचा था कि मुझे लिंक्डइन पर लिखना है, पर मैंने एक्ट नहीं किया था. बट ये सब इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ, एक दिन मैंने बस रैंडमली अपना फोन उठाया और मैंने ये मेरा फर्स्ट पीस था जो मैंने लिखा था कि ऑनलाइन डिलीवरी, आजकल फूड डिलीवरी है, अपन को जोमेटो वगैरह से सब कुछ 30 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर आ जाता है. पर उस सब पे वो चीज नहीं बदलती, जब हम तैयार होकर रेस्टोरेंट जाते हैं हमारी फैमिली के साथ, तो उसके लिए हम बहुत उत्सुक रहते हैं. जोमैटो ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी है, बट वो सब आज हमारे घर आता है तो उससे वो तैयार होके जाना वो नहीं कनेक्ट होता, राइट? तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग मैंने अपने ओपिनियन में लिख दिया था लिंक्डइन पे. और वो चीज को ना काफी अच्छा एक विजिबिलिटी और रीच मिला था, उस कम से कम 100-150 लाइक आए थे, पहला मेरा पोस्ट था और उस पे. तो मुझे लगा कि काफी ही अच्छा है. इसके साथ देर इज अनादर थिंग टू दिस. शुरू से ना मेरे मतलब दो रिप्रेजेंटेटिव करके एक स्टूडेंट रन ब्लॉग चल रहा था, जो कि टॉनी साहा और राधिका बजूरिया, दो तीन जो लिंक्डइन के भी पॉपुलर नेम है, उन लोग ने चालू करी. वो एनआरसी मुंजी के स्टूडेंट्स थे सर, और उन्होंने वो दो रिप्रेजेंटेटिव पे उनका खुद का एक पब्लिश करना शुरू किया था न्यूज आर्टिकल. तो मुझे भी लग रहा था कि ये काफी इंटरेस्टिंग है. और उस टाइम पे सर ये माइंडसेट भी था कि रेज्यूम में पॉइंटर्स मिल जाएंगे. तो रॉनी से मैंने अप्रोच किया लिंक्डइन पे और मैंने उसको बताया कि मैंने अभी फर्स्ट पी आर्टिकल ये लिखा है और मुझे द रिप्रेजेंटेटिव के साथ काम करना है. तो ही सेड यस. तो ही गेव मी एन असाइनमेंट कि इस पे आप लिख कर, यदि सही लगेगा तो फिर आप द रिप्रेजेंटेटिव पर लिखना आप शुरू कर सकते हो. सर मैंने उस टाइम पे सब कुछ मेहनत करके अच्छा लिखा और उसमें द रिप्रेजेंटेटिव में लिखने का मौका मिला. अब उससे हुआ ये कि द रिप्रेजेंटेटिव पे तो लिखना शुरू किया, बट उससे हैबिट में ये आ गया, मैं न्यूज़पेपर शुरू से पढ़ती थी बट फिर भी वो प्रॉपरली बिजनेस रीडिंग करना, क्या हो रहा है, एक चीज के पीछे चार चीजें और पढ़ना, जैसे कंपनी ए ने कंपनी बी के साथ मर्ज कर लिया पर क्यों करा, क्या रीजंस रहे होंगे सर, वो सब चीजें मैं पढ़ने लगी और मैंने फिर लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया और बंद नहीं करा. तो बेसिकली दैट. तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर ये आगे कैसे बढ़े, क्योंकि तुम, मैंने जब देखा है तुम्हारे सैकड़ों पोस्ट हैं, मतलब बहुत पोस्ट हैं। तो ये द रिप्रेजेंटेटिव पर तुम लिख रही हो मुझे समझ में आया, लेकिन ये जी इतना ज्यादा जो लिखने का चाव है वो कैसे आया? सर, बस आई वुड से हैबिट वाइज उसको मैंने बंद नहीं करा, मतलब मैं लिखते गई और फिर बैच में भी एक कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन होते हुए भी लोग बाग जानने लगे कि राज भी कोई है जो लिखती है. और सर मेरा कंटेंट उनको अच्छा लगने लगा, तो एक पुश भी मिलता गया और मैंने बंद नहीं करी उस चीज को. और उससे एक फायदा और भी हो रहा था कि सर प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको सब जो आज के टाइम पे हो रहा है वो पता हो, राइट? तो वो चीज में उसका भी फायदा मिल रहा था, तो मैंने सिर्फ बंद नहीं करा. और वो आज इतना बड़ा हो गया, एक इंग्लिश में मतलब एक एक इफेक्ट बोलते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट. ऐसा कहा जाता है कि एक पोल पर यदि बटरफ्लाई सिर्फ अपना एक विंग फ्लैप करती है, उससे साउथ पोल में टॉर्नेडो आ जाता है. आ सकता है। मतलब हाँ, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल इवेंट्स इन वंस लाइफ, वो एक छोटा से इवेंट कब कितना बड़ा हो जाए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. तो वो चीज का रियलाइजेशन मुझे लिंक्डइन हमेशा देता है. लिंक्डइन जब मैंने लिखना शुरू किया था, मैंने तब कभी सपने में नहीं सोचा था कि आज इतना उससे मुझे मौका मिलेगा कि मेरा अपना कॉलेज मुझे इनवाइट कर रहा है या मुझे टॉप वॉइस मिलेगा सर. बट वो चीज मैंने तब से बस लिखना शुरू करा और छोड़ा नहीं, क्योंकि तो मुझे उसमें मजा आने लगा. बिल्कुल। तो देखो, मैंने जब तुम यहाँ आई हो उसके पहले तुम्हारा लिंक्डइन को मैंने बहुत गहराई से देखा है, बहुत गहराई से। और मैं ये कह सकता हूँ, और शायद ये कहने का हक रखता हूँ, कि
कि जो तुम लिख रही हो दैट इज रिमार्केबल, मतलब इट्स रिमार्केबल, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में लिखना और उसके बाद इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी लिखता हूँ और मैंने कई राइटर्स भी देखे हैं, दिस इज रिमार्केबल। और दोस्तों मैं आपसे आपसे कहना चाहता हूँ कि राजवी जब लिखती है तो इतना रिसर्च करके लिखती है, उसमें ऐसा पता चलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कोई एक आर्टिकल पढ़ लेंगे और उसमें से पढ़ के कुछ लिख देंगे। राजवी मेहनत करती है, बहुत रिसर्च करती है। राजवी मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, और ये पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ बहुत हम्बल होके, कि तुम्हारी रिसर्च करने का तरीका क्या है। अगर तुम हमारे ऊपर उजागर करोगी तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभारी रहूंगा। जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो इस पे दो तीन चीजें और भी बताना चाहूंगी कि मुझे जब कोई आर्टिकल या कुछ भी मैं सोचती हूँ लिखने का सर, इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 15 मिनट्स टू 3 to 4 hours टू 1 to 2 days सारा कुछ हुआ है। अब इसमें क्या होता है, पहले और बहुत रैंडम टॉपिक्स होते हैं सर, मतलब मैं वो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि ना मैं शुरू से रिसर्च मतलब सोच के रखती हूँ या प्लान करती हूँ। ऑल्दो यदि उसको प्रोफेशनली देखा जाए तो प्लान करना बेटर है, पर मैं वो अप्रोच बिल्कुल फॉलो नहीं करती सर। मैं बहुत मुझे जब कोई चीज के बारे में लिखना रहता है तब मैं लिखती हूँ, मैं फोर्स नहीं करती। जैसे अभी 7 दिनों में मैंने नहीं लिखा है सर, क्योंकि मुझे आइडिया क्लिक नहीं कर रहा था, जो कुछ आइडियाज थे तो मुझे उस पर क्लिक नहीं हो रहा था कि लिखना चाहिए, तो दैट इज द अप्रोच आई फॉलो। सेकेंड थिंग इज सर विथ रिगार्ड्स टू रिसर्च, सबसे पहले तो जब टॉपिक्स मैं सोचती हूँ, मैंने फोन पे नोट ऐप होता है ना हम सबके, तो उसमें जब हम जहाँ पर सब्जी की लिस्ट या ग्रोसरी की लिस्ट भी लिख, तो उस पर सर मैं अपने आइडियाज लिख देती हूँ, मतलब मुझे अपनी गाड़ी चलाते हुए कुछ आइडिया आया है तो मैं उसको जाके लिख दूंगी, मुझे नहाते वक्त कुछ आइडिया आया है तो मैं उसको जाकर लिख दूंगी, मतलब कहीं पर भी जितने मुझे आइडिया कुछ आया है मैं उसको लिख दूंगी, ताकि वो रजिस्टर रहे कि मुझे इस पे आके वापस देखना है। अब इसके बारे में जैसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरे ग्रैंडफादर केसर की डिब्बी लाए थे, तो हम शुरू से बेबी से सैफरन यूज करते आ रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर नई सैफरन लेके आए थे, तो वो घर पर रखी हुई थी, उससे मुझे क्लिक हुआ कि बेबी सैफरन मेरे हम शुरू से यूज करते आए हैं और ये भी तो कोई बनाता होगा और ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो दैट देन बिकेम माई रिसर्च टॉपिक्स है। उसके बारे में मैंने फिर सैफरन का मार्केट कितना बड़ा है, US में कितना बिकता है, इंडिया में क्या क्या भाव तक जा सकता है, और उसमें अभी जैसे बेबी सैफरन है तो उसने कितना बड़ा ब्रांड बना लिया है, वो सब क्यूरियोसिटी है सर, मोर फ्रॉम द एंगल ऑफ क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, एंड दैट बिकेम द आइडिया फॉर माई पोस्ट, एंड वो मैंने लिखा उसके बारे में एक आर्टिकल। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं अबाउट रिसर्च। मैंने एक चाय पर पोस्ट लिखी थी सर, चायनॉमिक्स करके, जो कि मेरी अभी की सबसे मोस्ट रेड पोस्ट है, उस पर कुछ 35 उसको कुछ 35 लाख लोगों ने पढ़ा है सर। और जी, और उस पे कम से कम ऑलमोस्ट 18,000 लाइक्स हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट पे। दोस्तों आप सुन रहे हैं ना, तो दिस इज रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब 18,000 लाइक्स, मतलब दैट इज फैंटास्टिक, मतलब मैं क्या बताऊं तुमको, मतलब दिस इज रिमार्केबल, एंड आई एम टेलिंग यू लाइक ए फेलो राइटर, आम आदमी की तरह नहीं बोल रहा। तो उसके लिए सर उसका आइडिया बताना चाहती हूँ, तो शुरू में हम सब जब कॉलेज में होते हैं तो हम ये जरूर सोचते हैं जब हम पानी पूरी खा रहे होते हैं कि पानी पूरी वाले भैया एक दिन में कितना बना लेते होंगे, चाय वाले भैया एक दिन में कितना बेच देते होंगे। तो सर मुझे चाय पीने का बड़ा शौक है, और मैं जब वॉटफिक्स में मतलब मेरी फर्स्ट जॉब कर रही थी सर, तब हमारे ऑफिस के जस्ट पास में एक टी स्टॉल थी जहाँ पर सारे HSR के स्टार्टअप वाले लोग वहीं चाय पीने आते थे, और वहां पर शुरू से मतलब मेरा फिक्स था कि आऊंगी ऑफिस और चाय पीने जाऊंगी। तो
अब वहां पर क्या हुआ, मैंने वो, मुझे ये आइडिया आया कि इस पे लिखना चाहिए। अब उसको लिखने के लिए सर मैंने वहां पर जो भैया लोग काम करते उनसे पूछा, नॉर्मल मेजरमेंट समझा कि कितना क्या कर, कितने मतलब वो जो चाय बनाते हैं उसमें कितना दूध पानी शक्कर लगता है, कितना वो कप बेच लेते हैं, वीकेंड पे कितना बेच देते हैं। तो वहां से जनरल नंबर्स मिले सर, उसको मैंने नोट डाउन करा, फिर मैंने उस पे जाकर ऑनलाइन रिसर्च करा कि दूध की क्या कीमत है उस टाइम पर, शक्कर की क्या कीमत है, गैस क्या लग रही है, कमर्शियल रेंट क्या हो सकता है, एक एंगल, बिजनेस एंगल से। और उसको लिखकर मैंने मेरा एक एनालिसिस लिख दिया कि चाय के लिए इतना लगता है, इतने वो कप बेचते हैं, तो सबसे नेट प्रॉफिट उनका 47% हो सकता है। अब डेफिनेटली इट्स ओपन टू एवरीवन्स इंटरप्रिटेशन कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, इसमें तुमने ये तो जोड़ा ही नहीं, या ये सही, जो भी कुछ है, बट वो मैंने मेरा सिर्फ सोचा और वो एनालिसिस लिखा, तो सर दैट बिकेम। और उसको लिखने में मुझे सर 4-5 दिन लगा था, क्योंकि आई पर्सनली टुक आउट द टाइम टू इंटरव्यू विद पीपल फ्रॉम द टी स्टॉल्स। इसके अलावा नॉट जस्ट दैट टी, मैं दूसरी जगह भी जो चाय पीने जाती थी वहां पर भी मैंने पूछा कि क्या क्या है, तो वहां से वो मुझे आइडिया आया, रिसर्च करा कि क्या कॉस्ट है, उसके लिए मैथ्स लगाया और फिर वो पोस्ट लिखा। तो यार आई अंडरस्टूड, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि पता चलता है कि उसमें कुछ गहरा सोच है, कुछ तैयारी है। तुम उसको चाहे तो रिसर्च ना बोलो, लेकिन वो रिसर्च ही, और वो बहुत गहरी जी रिसर्च है जो तुमने की, जी बहुत गहरी रिसर्च है, क्योंकि तुम व्यक्तिगत रूप से बात कर रही हो लोगों से। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन। तो तुम बहुत क्यूरियस हो, ये समझ में आया। मैं इसको और अभी इस पे और भी चीजें जोड़ूंगा, लेकिन उसके पहले अभी बताओ जी कि चलो ये चीजें शुरू हो गई, हजारों की संख्या में तुमको लाइक्स आने लग जी गए, इससे जिंदगी में कुछ फर्क पड़ा, कुछ बदलाव आया? सर बदलाव नहीं बोलेंगे, बट लिंक्डइन से मुझे एक और चीज आने लगी कि जब मैं लिखने लगी तो बहुत सारे लोग इनबाउंड आने लगे, मतलब मैसेज में आने लगे कि हमको भी लिखना शुरू करना है, हमको भी हमारा पर्सनल ब्रांड बनाना है, बट उनको ये आइडिया नहीं है कि कहाँ से लिखना शुरू करें या क्या करना चाहिए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कि सबको आज अच्छा है, जरूरी भी है सर कि आज के जमाने में आपका एक अलग स्टैंडिंग होना चाहिए। मैं एक बिलीव मैं हमेशा खुद पे रखते आई हूँ सर, मैं एक बिजनेस फैमिली से आती हूँ सर, और मेरे फादर ने एक चीज सिखाई है और मेरे पे कहीं ना कहीं वो इंस्टॉल्ड है, आपकी पूरी आइडेंटिटी आपकी जॉब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, क्या बात, सुपर, मैं कहीं काम करती हूँ वो मेरी पूरी आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एंड बिल्कुल। दैट हैज बीन द थिंग विथ मी एवर सिंस, कि आपकी उसके अलावा आप क्या करते हो। तो सर लिंक्डइन ने मुझे फिर धीरे धीरे जब लिखना शुरू किया वो रिकॉग्निशन मिली, तो उससे ये कि मैं लिंक्डइन पर लिखती हूँ, ये एक हिस्सा बना मेरी आइडेंटिटी का। ऑल्दो राज के अलावा भी बहुत कुछ है, बट लिंक्डइन ने मुझे वो मौका दिया कि राज भी लिंक्डइन पे लिखती हूँ। सुपर। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर दूसरे दोस्तों को, आज हम गेसू की कम्युनिटी में या दूसरे जो लोग तुमको सुन रहे हैं, उनको अगर पर्सनल ब्रांडिंग, हालांकि जो तुम लिख रही हो और जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसमें थोड़ा सा फर्क है, जी तो जो अगर कोई लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स तुम दे सकती हो एज ए टॉप वॉइस योरसेल्फ? तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा, मतलब मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ कि मेरे नंबर ऑफ फॉलोवर्स या रीच ये कॉन्सिक्वेंस है, मतलब ये खुद से हुए हैं, ये मेरा कभी एजेंडा और मेन गोल था ही नहीं सर। आई एम लकी, टचवुड लकी, ये सब हुआ, बट ये मेरा कभी एक मेन। मिनट यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ। तो दोस्तों, राजवी के अभी 50,000 फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, आई थिंक 49,700 समथिंग, विच इज अगेन ह्यूज। और मैं कह रहा हूँ, तुम कोई सीईओ नहीं हो, तुम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो, तुमने सिर्फ अपनी कलम के दम पे, लिखने के दम पर
लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, तो सुपर। आगे बताओ, आगे बताओ, हम सुनना चाहते हैं जी। तो सर इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब कॉन्सिक्वेंस है, मैंने ये मेरा गोल कभी नहीं था। तो जब भी कोई लिखना चाहता है, पर्सनल ब्रांड भी बनाना चाहता है, ये आप गोल मत रखिए कि आपको इतने फॉलोअर्स चाहिए या आपको इतने व्यूज चाहिए। नहीं, आपका गोल ये होना चाहिए कि यदि कोई यूजर या कोई रीडर आपकी पोस्ट या आपके वीडियो को 2 मिनट देख रहा है या पढ़ रहा है, आप किस हिसाब से उसकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हो, क्या आपका कंटेंट इतना दम रखता है या जरूर इतना है इम्पोर्टेंट कि कोई को 2 मिनट रुक कर वो पढ़ना चाहिए, उसमें क्या वो 2 मिनट की वैल्यू के लिए कंटेंट है। मतलब इफ समवन इज गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ देयर टाइम, इज इट वर्थ इट? सो दैट इज द फर्स्ट गोल, राइट? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं सर आज, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ही होंगे, कुछ कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ थॉट लीडर्स होंगे, राइट? तो सबसे पहले तो आपको किस विषय में लिखना है वो जरूरी है, क्योंकि जब आप सब कुछ लिखना चाहते हो तो आप भीड़ में खो जाते हो। आप किस बारे में लिखना चाहते हो इज द फर्स्ट पॉइंट। नीश आइडेंटिफाई कर, आपने नीश आइडेंटिफाई कर लिया सर, उसके बाद सर मुझे जो मुझे हेल्प करा है वो है कंसिस्टेंसी। जैसे लिंक्डइन पे यदि आप देखेंगे तो आप कम से कम ट्राई कीजिए कि आप 3 से 4 पोस्ट साप्ताहिक लिखें। चलो आप 3 से 4 भी नहीं लिख रहे तो शुरू के 1 महीना 2 महीना आप 2 पोस्ट साप्ताहिक लिखें, मतलब आप महीने का कम से कम 8-9 पोस्ट लिखेंगे। तो एक कंसिस्टेंसी से अपने आप एल्गोरिथम सपोर्ट करती है। आज मैं लिंक्डइन पर एक और चीज देखती हूँ सर कि लिंक्डइन धीरे धीरे ना नया इंस्टाग्राम बनते जा रहा है। वो हर कोई अपना सिर्फ फोटो लगा के उस पे लाइक्स बटोर रहा है, बट वैल्यू ऑफ कंटेंट इज डिग्रेडिंग सर। इसमें यदि आप कंटेंट में वैल्यू ऐड कर सकते हो, जैसे मैं आपको बोला कि 2 मिनट कोई आपका पोस्ट को दे रहा है तो वो वर्थ है, तो वो अपने आप में एक आइडेंटिफाई करवाएगा आपकी आवाज को भीड़ में कि नहीं इसकी पोस्ट अच्छी होगी, तो वो है। तो सर ये 2-3 चीजें हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ कंटेंट, जैसे लिंक्डइन पे मैंने ऑब्जर्व करा है वीडियो फॉर्मेट इतना नहीं चलता, लिंक्डइन पे जनरली टेक्स्ट फॉर्मेट अच्छा चलता है और टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट प्लस फोटो फॉर्मेट अच्छा चलता है, कोलाज फॉर्मेट ठीक ठाक चलता है। तो बेसिकली ये कुछ कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि बहुत टेक्निकल हो जाएगा इफ वी गेट इनटू इट, बट 3-4 टिप्स यही है। नीश आइडेंटिफाई करिए किस बारे में आप लिखना चाहते हो या आप चाहते हो लोग आपको उस विषय में जाने। दूसरी बात है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, सप्ताह में आप कम से कम 2 से 3 बार पोस्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप धीरे धीरे विजिबिलिटी रहेगी। और तीसरी चीज ये भी है कि जब आप पोस्ट करते हैं उतना ही जरूरी है जो आपको अच्छा लगता है कंटेंट उस पर आप इंगेज करें। ओके, तो यदि आपने मान लीजिए आपने 10:30 पे आप पोस्ट कर रहे हो तो 10 बजे से 10:15 के बीच आप पोस्ट करिए, आप कमेंट नहीं, आप कमेंट कीजिए लोगों की अच्छी पोस्टों पे, लाइक कीजिए, उससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। और सेम आपने पोस्ट कर दिया उसके 15 मिनट बाद भी आप ये चीज दोहराइए, उससे आपके एल्गोरिथम आपके कंटेंट को सपोर्ट करेगी, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने। आई थिंक दैट इज अ गुड टिप। जी, तो ये कुछ टिप्स हैं सर जो काम आते हैं काफी। पर मैं यहाँ पर एक चीज पूछना चाहूंगा कि तुम ज्यादातर जो लिखती हो राजू, ये लंबी पोस्ट होती है, मेरे ख्याल से करीब 1000 शब्द उसमें होते होंगे, विच कैन एक्चुअली बी इंडिपेंडेंट आर्टिकल, ठीक है? यस, लेकिन तुम उसको पोस्ट की तरह डालती हो, लिंक्डइन के आर्टिकल की तरह नहीं डालती, इसका क्या रीजन हो सकता है? सर मैंने ऑब्जर्व करा है, बीच में एक्सपेरिमेंट किया था आर्टिकल फॉर्मेट पे, बट आर्टिकल फॉर्मेट जनरली लोग बाग खोलते भी नहीं है, क्योंकि आजकल सर ये आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन अटेंशन स्पैन जो हो गया है वो एक गोल्ड फिश से कम हो गया है, मतलब 8 सेकेंड भी हम पेशेंट नहीं रह सकते सर, 8 सेकेंड। तो अब यदि मेरे पास अगले यूजर को एंगेज करने के लिए सिर्फ 8 सेकेंड है, वो 8 सेकेंड में यदि मैंने ऐसा कुछ लिखा जो क्लिक करेगा तो वो पढ़ेगा, नहीं तो वो छोड़ देगा।
पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो आर्टिकल फॉर्मेट पे मैंने एक्सपेरिमेंट करके समझा कि इट डजंट वर्क, लोग बाग नहीं खुलते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्रीकंसीव्ड नोशन है कि आर्टिकल बड़े होते हैं। भले मैं सेम का सेम जो आप मैंने पोस्ट में लिखा है वही का वही मैं आर्टिकल में डालूंगी, शायद उसको लोग नहीं खोलेंगे। सर बात ये भी है सर, हुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुरू का पहला लाइन आप जो लिख रहे हो आपके कंटेंट का वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें ये ताकत होती है कि अगला आपकी पोस्ट आगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एंगल होता है लिखने का। बिल्कुल, मैंने तुम्हारी पोस्ट पढ़ी है, मतलब मैं मतलब दोज आर ऑलमोस्ट दोज फर्स्ट टू लाइंस आर ऑलमोस्ट लाइक हेडलाइंस व्हिच इज हुकिंग पीपल इन. सो जी यू आर फॉलोइंग ऑल द गुड टिप्स एंड टेक्निक्स ऑफ ग्रेट राइटिंग. इसके अलावा और कुछ बोलना चाहोगी तुम जो लिंक्डइन पे किया जा सकता है? सर, आई गेस टाइम भी बहुत मैटर करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, राइट? तो अब जैसे अपन संडे के दिन शाम को 5 या 6 बजे कोई पोस्ट डालेंगे, तो अब संडे के दिन जो आपको ये समझना पड़ेगा जो लिंक्डइन यूज करते हैं वो मेजरली ऑफिस गोइंग बिजनेस पीपल ये सब रहते हैं, तो उनके लिए सैटरडे और संडे आराम का दिन होता है। अब उसमें भी आप यदि शाम को कुछ डाल रहे हैं तो शायद उसकी विजिबिलिटी ना बढ़े, क्यों? क्योंकि तो हो सकता है कि आपके रीडर्स उस वक्त उसको पढ़ेंगे ही नहीं। वो किस वक्त आप पोस्ट कर रहे हो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। यदि आप सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक पोस्ट करते हैं, इट्स सेट टू बी अ गुड टाइम। सिमिलरली शाम को आप 3 से लेकर 5 बजे तक 6 बजे तक पोस्ट करते हैं वो भी ठीक है, बट शाम को 7 बजे आप पोस्ट कर रहे हैं तो शायद रीच ना मिले। अगेन इसके बहुत सारे कॉन्ट्री एग्जाम्पल्स भी हैं सर, डेफिनेटली डिपेंड्स अ लॉट ऑन आप क्या लिख रहे हो। नहीं, बिल्कुल, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है, हाँ क्योंकि फॉर एग्जांपल कई बार अगर हमारी ऑडियंस ओवरसीज ऑडियंस है तो जी मुझे रात को 9 बजे भी कई बार बहुत अच्छा रिस्पांस बिल्कुल बिल्कुल वही, मिला वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से काफी डिफर और करता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ऑडियंस कौन है, और इसमें काफी कुछ चीजें तय होती है और हमारा पर्पस क्या है. फॉर एग्जांपल कई बार लाइक से ज्यादा हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पर आए. तो फॉर एग्जांपल हम कुछ आर्टिकल प्रमोट करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं उसके बारे में, जिसके लिंक के थ्रू लोग हमारी वेबसाइट पर जाते हैं. तो मैंने ये भी देखा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि मायने रखता है जी कई बार लाइक्स तो नहीं मिलते लेकिन हमको वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि लोग अब वहां जाकर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे they have already shifted to our website. तो I think that objective is important. और पर मुझे तुम्हारा फॉर्मेट बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जब टेक्स्ट लिखते हैं तो इमेज नहीं डालते, पर तुम टेक्स्ट भी काफी लिखती हो, उसके साथ इमेज भी लिखती हो. मुझे लगता है एक चीज और है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट की तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको इतनी सफलता जो मिल रही है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं. तो एक चीज जो तुमने बिल्कुल सही बोली कि तुम वहां पे कुछ सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे, या तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, एंड आई थिंक वो जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आती है. आई कॉल इट लव कंट्रास्ट, क्योंकि बाकी सब लोग कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं या वो हाँ उनका एक एजेंडा है, और यहाँ पर हम किसी को पढ़ रहे हैं जिसका कोई एजेंडा नहीं है. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज जो मैंने गौर से देखी है कि तुम्हारी हेडलाइन जो होती है बहुत पावरफुल होती है, और उसके बाद पहले कुछ दो पैरा तुम लिखते हो, उसके बाद तुम एक जिसको मैं बोलता हूँ एक एक सवाल जो पूछा जाना चाहिए और नहीं पूछा जाता है वैसा एक सवाल तुम पकड़ती हो और उसके ऊपर काम करना शुरू करती हो. आई थिंक दैट्स व्हाट एंगेजेस पीपल मच मोर. तो मैं कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे टाइम क्या है, फॉर्मेट क्या है, से ज्यादा तुम जो मुद्दा पकड़ती हो ना, वो मुद्दा बहुत गहरा होता है,
या कम से जी कम वो सर, ऐसा होता है जो लोगों को पकड़ लेता है ना। तो मुझे एक चीज तुमसे कहना है कि राजवी, जाहिर है अब तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, और हालांकि तुम खुद को इन्फ्लुएंसर कहना पसंद नहीं करती, नहीं लेकिन करते सर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर लोग चाहें कि तुम उनके लिए कुछ लिखो, उनके पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में कुछ लिखो, तो तुम इस तरह के असाइनमेंट लेती हो या लेना चाहोगी? सर जब से मैं आपको जैसे बताया लिंक्डइन पे जब मैं लिखना शुरू किया और पॉपुलर होने लगी, तब बहुत सारे इनबाउंड लीड आने लगे कि जब जब मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो तब से मैंने सर शुरू किया इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग का काम। और अभी तक मैं सर काफ़ी सारे फाउंडर्स और सीनियर लीडर्स को हेल्प कर चुकी हूँ इन देयर पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी। Sometimes it is me writing the content, sometimes it is me as an advisor of what they should do. So yes, I do take up assignments in, as an independent consultant. तो दोस्तों, गेसु संवाद की पोस्ट जो हमने डाली है उसमें राजवी का लिंक्डइन यूआरएल भी है, या आप राजवी को ढूंढेंगे राजवी अग्रवाल तो आपको तुरंत लिंक्डइन पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि राजवी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में या आपकी कंपनी की पर्सनल आपकी ब्रांडिंग में योगदान दे, तो राजवी तैयार है, करेक्ट? जी जी राजवी सर, वो भी कर सकती है। राजवी, अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मतलब इट वाज सो इंस्पायरिंग। थैंक यू सर, सो इंस्पायरिंग, क्योंकि तुम जैसे यंग लड़की अपने दम पे इतना कुछ कर रही हो, ये मेरे ख्याल से तमाम दोस्त बहुत इंस्पायरिंग है, उनको अच्छा लगेगा। कि कुछ लोगों ने लिखा है कि उनको भरोसा नहीं है कि राजवी ये सब कर रही है गेसू से निकलने के बाद। दोस्तों, गेसू से निकलने के बाद लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं तुमसे यहाँ पे दो चीज पूछूंगा। तुमने कभी एडवर्टाइजिंग में जाने के बारे में नहीं सोचा? सर एडवर्टाइजमेंट में शुरू में बड़ा अच्छा लगा था कि क्या कैसे मार्केटियर्स सोचते हैं जब वो करते हैं। अभी भी आई एम नॉट टोटली क्लोज टू दैट आइडिया, बट अब मुझे एक एंगल और समझ में आया है खुद के बारे में जब मैंने वॉटफ्लिक्स में काम करना शुरू किया, कि मुझे लोगों से बातचीत करना बड़ा पसंद है। तो उस एंगल से सर मुझे ऐसे रोल्स काफ़ी अच्छे लगने लगे जिसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें लोगों से बात करना इन्वॉल्व होता है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बिजनेस बहुत बड़े हैं पर उसको चला तो ह्यूमंस रहे हैं और इंसानों के लिए किया जाता है। तो यदि हम सही प्रकार से बातचीत कर सकते हैं, वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है दोनों पार्टीज को सर। सो वो चीज़ से मुझे अब उस एंगल से मैं अभी थोड़ा मेरा माइंडसेट चेंज करा है और उस डायरेक्शन में मैं प्रोसीड कर रही हूँ सर। ओके, तो कभी जी स्क्रिप्ट लिखने के बारे में सोचा तुमने? स्क्रिप्ट लिखने के लिए सोचा तो नहीं है सर अभी तक, बट फिल्म की मौका स्क्रिप्ट, मिलता तो ट्राई जरूर करना चाहूंगी। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाए, ऐसा कभी सोचा? मैं वो सब संभावनाएं देख रहा हूँ। जब तुम मेरे सामने बैठी हो बात कर रही हो, तो वो सब संभावनाएं मुझे दिख रही है। कोई नॉवेल लिखने के बारे में सोचा? सर राइटर बनने का एक बार बीच में इतना जरूर सोचा है कि यदि कुछ कुछ अच्छा करती हूँ तब एक खुद का मेमोयर जरूर लिखना चाहूंगी सर। ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहूंगी सर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे जो पोस्ट है उसको भी अगर कंपाइल करोगी तो किताब अच्छी बन सकती है। जी, वो ताकत है, एक अच्छी किताब बन सकती है। और मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छी राइटर हो, और तुमको इसके पर अगर अभी तक नहीं सोचा तो सीरियसली सोचना चाहिए तुमको। देखो, मैं खुद मैंने बिजनेस राइटिंग मैंने किया है, मैं एडवर्टाइजिंग में रहा हूँ, कंटेंट मार्केटिंग और बिजनेस कंसल्टिंग सब मैंने किया है, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि
कई बार क्या होता है कि हमारा जो क्रिएटिव पक्ष है वो उसमें पीछे छूट जाता है। तो अगर तुम लिखना चाहती हो तो अभी से लिखना शुरू करो, इंतजार मत करो कि किसी दिन में करूंगी। बिल्कुल सर, आई थिंक दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन डू इट, और हम गेसु के सब दोस्त तुम्हारे साथ है अगर हम किसी भी तरह से कोई हेल्प कर सके तो। बिल्कुल सर। गेसु, मैं कहता हूँ कि लोगों, हम गेसु को छोड़ देते लेकिन गेसु हमको छोड़ता नहीं, जी बिल्कुल सर। कुछ ना कुछ रूप में हमारे सामने आता है। तो तुमको बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता थैंक यू हूँ, सर। और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग तुम्हारे भविष्य में कुछ ना कुछ जोड़ सकेंगे, कुछ ना कुछ ऐड कर सकेंगे। और एक बार फिर से बाद में फिर कभी तुमको बेसु संवाद में देखेंगे और भी बड़े रूप में। जी दोस्तों, अगर आपको राजवी से कुछ कहना है तो आप 2 मिनट में अपना एक संदेश राजवी के लिए यहाँ पे चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। राजवी, तुमसे इतनी बात करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, और कभी फिर से तुमसे बात करेंगे, और मुझे लगता है कि लिंक्डइन के जो टेक्निकल पक्ष है उसके बारे में भी तुमसे बात करेंगे, जी बिल्कुल सर। क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। सो ग्रेट, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम यहाँ बंद नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉज ले रहे हैं, क्योंकि ये जी चर्चा चलती रहना चाहिए। थैंक यू बिल्कुल सो मच सर, थैंक राजवी, थैंक यू सो यू मच, सो मच सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर हैविंग। मच, एंड तुमसे फिर मुलाकात करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम ये गेसु संवाद का सेशन यहाँ पे पॉज ले रहे हैं। इसका रिकॉर्डिंग आपको गेसु संवाद पर मिलेगा जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। शब्बखैर, जय हिंद, थैंक यू जय सर। भारत। गणतंत्र दिवस की आपको विलंबित बधाइयाँ, नए साल की सबको बधाइयाँ, और गेसु संवाद का ये साल का पहला सेशन था, लेकिन ये लगातार चलता रहेगा, ये वादा आपसे मैं करता हूँ। इतनी शानदार शुरुआत राजवी के साथ की है, हमारे साथ इसी तरह जुड़ रही है। धन्यवाद। थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग द कॉल एंड यू नो गिविंग योर प्रीशियस टाइम, रियली मीन्स अ लॉट। हैव अ गुड डे।